बच्चा फ्रेश टॉपिक, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ लिए, चलो आओ कुछ बुरी बातें भी पढ़े। कंपनी कंपनी होने का बच्चा नुकसान भी तो हो सकता है। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चा, टोटल कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? 6। पूरे 6 पॉइंट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस, आ जाओ। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या लिखा है बच्चा? एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और बच्चा फ्लोटेशन। अब सबसे पहले मुझे बताओ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाते हैं बच्चा? आरओसी के पास, ठीक है। चलो, इन्होंने बोला भैया खर्चा होता है रजिस्ट्रेशन करवाने में। अब बच्चा आरओसी के पास जाओगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक फीस लगेगी, भैया एक सीएस को अपॉइंट किया जो ये इनकॉर्पोरेशन का काम कर रहा है वो भी अच्छी खासी फीस लेगा, हम अपनी अलग फीस लेंगे, देन जो गवर्नमेंट को फीस देनी है वो अलग फीस लगेगी, तो भैया एक्सपेंस तो है ना, खर्चा तो होगा ही, हाँ है ना, वहां के ऑफिसर्स को। चलो फिर क्या लिखे बच्चा? फ्लोटेशन, भैया बहुत इधर उधर होता है, पैसे का आना जाना होता है। कॉम्प्लेक्स क्या लिखा है बच्चा? अकेम्बरसन मतलब क्या होता है बच्चा? बर्डन, ठीक है। देन डिटेल लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सीएस क्या करेगा? पूरी फॉर्मेलिटीज आपसे करवाएगा, आपसे क्या ये डॉक्यूमेंट दो वो डॉक्यूमेंट दो। बच्चा जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक मांगता है इतने सारे डॉक्यूमेंट, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो, कंपनी कहाँ है, कंपनी में कौन मेंबर है, उनका आधार कार्ड, कंपनी किस ऑफिस में लगने वाला है, उसका एड्रेस, इतनी सारी जो डिटेल फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोसीजर होता है बच्चा, टाइम मनी सब कुछ लगता है। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चा? पैसा तो लगेगा, ठीक है। इवन आफ्टर कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई, पैसा लग गया, क्या पैसा नहीं लगेगा? लगेगा, बार बार लगेगा। मैंने आपको बताया था कंपनी का मेमोरेंडम होता है, ऑल्टर करोगे इनकेस कर दिया, पैसा लगेगा। तो ऐसा नहीं है बस एक बार कंपनी बनाया और पैसा लगा, बच्चा बार बार लगेगा आपको, साल भर उसका बच्चा पैसे कमाओगे तो आपको कुछ रिटर्न भरने पड़ेंगे, रिटर्न भरना मतलब फीस लगना, ठीक है बच्चा। आप साल भर में इतने सारे काम बोले, भैया कंपनी को बोले भैया आपको बुक्स मेंटेन करना है, रजिस्ट्रेशन, आपको बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने, उन सब में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? कंपनी बनना मतलब पैसा लगना है, बड़ी कंपनी है बच्चा, ठीक है। चलिए, तो कंपनी इवन आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी जो भी कंपनी के अफेयर्स वर्किंग चलती है स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द लीगल प्रोविजन। बच्चा कंपनी जब वाइंड अप भी होती है ना, क्लोज होती है ना, तब भी पैसा लगता है। ये बस ऐसा है, इंसान जब जिंदा होता है तो बर्थडे पार्टी में इतना पैसा लगेगा, इंसान जब खत्म हो जाता है तो बच्चा खत्म होने के बाद भी खाना खिलाना पड़ता है, पैसा लगता है। तो सेम बच्चा ऐसे ही है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, पैसा लगेगा, कंपनी चल रही है, इंसान जिंदा है तो पैसे नहीं लग रहे क्या? लगेगा, बर्थडे बर्थडे है ना, दिन भर खाना पीना स्कूल जाना, इतने खर्चे भैया, पेट्रोल है ना। फिर जब इंसान मर जाएगा तब भी पैसा तो लगेगा। कंपनी वाइंड अप होती तो एक ऑफिसर आता है, पूरी वाइंड अप की प्रोसेस करेगा, फ्री में घर कर जाएगा, अच्छी खासी फीस लगती है उस ऑफिसर को, ठीक है। तो बच्चा इन शॉर्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी पैसा लगेगा, कंपनी चलेगी पैसा लगेगा, कंपनी वाइंड अप होगी पैसा तो लगेगा, ज्यादा पैसा लगता है एकदम से। ऐसा क्या होता है? बोल आराम से मैम। हाँ मैंने बोला था ना, शटर गिरा दिया, कंपनी बंद हो गई क्या? बिल्कुल नहीं, ऑफिसर आएगा चेक करेगा, लेकिन वो ऑफिसर तब आएगा जब आप पैसे दोगे, पैसे नहीं दे पाए तो भैया बेल्ले हैं, खत्म हो गए, कंपनी है ही नहीं, पैसे, प्रॉपर्टी बेचकर एसेट बिकेंगे कंपनी के, सबसे पहले किसको चुकाएंगे? बोलेगा ऑफिसर, क्रेडिटर को बाद में देंगे। सिक्योर क्रेडिटर होता है, अनसिक्योर क्रेडिटर होता है, पहले किसको पैसे मिलते? सिक्योर, उससे भी पहले ऑफिसर ने कहा रुक जा, सिक्योर तो बाद में, मैं पहले, मैं काम करने आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ, फर्नीचर बिकेगा, प्रोजेक्टर बिकेगा, सिस्टम बिकेगा, पहले ऑफिसर को पैसे मिलेंगे, उसकी फीस मिलेगी, उसके बाद बचता है तो सिक्योर क्रेडिटर का नंबर आता है, मतलब हम पहले आएंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम पहले एनालिसिस करेंगे कि भैया हमें हमारी फीस मिलनी चाहिए तब काम होगा, अदरवाइज नहीं। हम जाके तो पहले देख ही लेंगे ना कितने एसेट्स बच रहे, फीस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, नहीं तो काम करोगे क्या? मत करना, ठीक है। चल समझ में आया। इन शॉर्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी के डिसएडवांटेजेस। पहला क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, खर्चा होता है, बस इनकॉर्पोरेशन में नहीं, चलाने में और बंद करने में भी। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब बताना पड़ेगा, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ती है। मान लो मैं हूं वोडाफोन आइडिया कंपनी, दोनों ने मर्ज कर रखा है, जियो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आरओसी ऑफिस के पास है, बच्चा
एमसीए की वेबसाइट के थ्रू, क्या मैं जियो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं निकाल सकती क्या? निकाल सकती हूँ। वोडाफोन कंपनी, आइडिया कंपनी, क्या जियो कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते? कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते क्या? देख सकते हैं बच्चा, हर कंपनी को अपना डिस्क्लोजर देना है। जियो कंपनी अपना डिस्क्लोजर देगी, वोडाफोन कंपनी, आइडिया कंपनी अपना डिस्क्लोजर देगी, कॉम्पिटिटर एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन आराम से निकाल सकते। कौन निकाल के देगा? आप लोग निकाल के दोगे? आपको मालूम है ना इन्फॉर्मेशन कहां से निकलेगी? बताया था ना एक वेबसाइट थी MCA 21, एक पूरी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिससे मैंने कहा था कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कितने? 100 रुपए में। LLP की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए 50 रुपए में। इतनी सी फीस में किसको पता है? लेकिन ये किसको पता है? हमको पता है फीस कहाँ पे करनी है, कैसे पे करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्या बात समझ में आ रही है? तो हम निकाल के देंगे ना, ठीक है? चलो, मैक्सिमम डिस्क्लोजर ऑफ द कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। भैया नुकसान ये है कि भाई हमारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। अवेलेबल है कि नहीं? कोई भी निकाल सकता बच्चा, ठीक। चलो, तीसरा डिसएडवांटेज क्या लिखा है? कंट्रोल अलग है और ओनरशिप अलग। कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। कंपनी में पैसा लगाने वाले ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा जो पैसा लगा रहा है वो तो डिसीजन में रहता ही नहीं है। हर छोटे बड़े फैसले कौन ले रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग। तो भैया नुकसान ये है कि कभी कभार क्या हो सकता है, पैसा मेरा लगा है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदे, वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ गलत डिसीजन ले ले, कंपनी लॉस में क्यों जाती है बच्चे? क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नालायक होते हैं। हम बोलते ना कंपनी लॉस में चलेगी, भाई हमने तो पैसा लगाया, क्या हम काम कर रहे हैं क्या वहां पे बैठकर? नहीं, पैसा लगाने वाला अलग है और उस पैसे को मैनेज करने वाला अलग है। तो कंपनी में लॉस में जाने का रीजन ये होता है कि मैनेजमेंट कोई और देख रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रहा है, तो नुकसान है ना ये। पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? पैसा हमने ही लगाया और काम भी हम ही कर रहे हैं, तो फायदा है ना भैया। जिसका पैसा लगा है वो उसकी कीमत समझता है, जिसका पैसा नहीं लगा वो कीमत समझ रहा है क्या? नहीं। पहला डिसएडवांटेज, खर्चा बहुत होता है। दूसरा बच्चा, डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, जिस कारण से सामने वाला भी हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कंट्रोल मतलब मेंबर अलग है और ओनर, सॉरी मेंबर अलग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग, मतलब मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। कंट्रोल किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर। क्लियर है? चलो बड़े आगे मार्क कर रहे हो क्या? हो गया क्या? चलो वेरी गुड। कोई कर रहा है? करो करो। हाँ बच्चा, हाँ हाँ जा जल्दी जल्दी है ना बच्चा, प्लीज गाड़ी लॉक करके आना सब, ठीक। चलिए, नुकसान समझ में आया? जब भी कोई क्लाइंट आएगा क्लाइंट को क्या बोलोगे? सुनो, कंपनी बनाना है तो खर्चा होगा, उसको पहले बता देना। वो कहेगा नहीं यार, खर्चा नहीं करना मुझे, तो बोलना क्या क्या ऑप्शन है? पार्टनरशिप फर्म भी है। पार्टनरशिप फर्म वो कहेगा कि यार पार्टनरशिप फर्म में दिक्कत है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो क्या दोगे उस क्लाइंट को ऑप्शन? LLP बना ले भैया, कंपनी जितना इतना खर्चा नहीं होगा। लेकिन वो कहेगा कि नहीं यार, मुझे ना इंडिया लेवल में जाना है, ग्लोबल लेवल में जाना है, तब क्या LLP बन के जा पाएगा क्या? तब बोलना कि भैया थोड़ा खर्चा कर और कंपनी बना ले, ठीक है? चल, हो गया मां। नेक्स्ट नुकसान क्या लिखा है? ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें क्या लगता है जितनी भी कंपनियां पैसा कमा रही है बस पैसा कमा के निकल जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। टैक्स तो पे करना ही पड़ता है, वो तो सबको करना पड़ता है बच्चा। टैक्स तो मुझे भी पे करना पड़ता है, कंपनी को भी करना पड़ता है, लेकिन कंपनी को साफ साफ बोल दिया है तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी फॉर कॉर्पोरेट, एस फॉर सोशल, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी बड़ी कंपनी है उनको साफ साफ बोल दिया सोसाइटी के लिए कुछ करिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करिए, साफ साफ बोल दिया गया है। जितनी भी बड़ी कंपनी से बच्चा, उनको एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी है, उस लिस्ट में बोला कि आपको गरीबों के लिए कुछ काम करना है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ करना है, कंबल बांटो गरीबों को, है ना, एनवायरमेंट स्पोर्ट्स को, इन शॉर्ट कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहले क्या होता था, कंपनी आती थी, पैसा कमाती थी, निकल जाती थी। अब साफ साफ बोलते भैया ऐसा नहीं चलेगा, आपको पैसा कमाना है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कुछ आपकी सोसाइटी के लिए बच्चा कुछ आपको कर जाना पड़ेगा। पैसे कमा के आप बस निकल नहीं सकते। क्या छोटी कंपनी को बोला? नहीं, इन्होंने कहा बड़ी कंपनी ज्यादा पैसा कमा रही है ना, तो ज्यादा भी सोसाइटी के लिए कर पाएगी। तो साफ साफ बोल दिया है आपको क्या करना पड़ेगा,
सीएसआर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको निभानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाटा कमर्शियल सुना है क्या? यहाँ जबलपुर में टाटा कमर्शियल कंपनी क्या करती है? मेडिकल हॉस्पिटल सुना है? मेडिकल वो हर वीक में एक डे डिसाइड होता है, दैट वाज वेडनेसडे। वेडनेसडे को जाकर, क्योंकि टाटा कमर्शियल एक बड़ी कंपनी है, उनको समाज के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने समाज सेवा वाला कौन सा काम ऑप्ट किया? उन्होंने ऑप्ट किया कि हम मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर, बच्चे जाते हैं खाना बांटते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर खाना बांटते हैं। तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है, किसने? कंपनी लोन। उन्होंने कहा ये 20 एक्टिविटीज है, आपको उसमें से जो करना है करिए। आपके अपने प्रॉफिट का, ज्यादा डिटेलिंग बता रही हूँ बच्चा, ज्यादा डिटेलिंग, आपको अपने प्रॉफिट का कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा समाज के लिए? 2%। 2% आपको लगाना पड़ेगा। अब वो 2% का जितना भी आता है उतना खाना फिर बांटते हैं, या फिर अदर एक्टिविटीज, कभी कभार कंबल भी बांट देते। टाटा तो ओवर करता है एक्चुअली में, बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, वो खुद से करता है एक्चुअली में। लेकिन लॉ ये बोलता है कि सारी बड़ी कंपनी को कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 2%। ये कंपनी लॉ बोलता है, मतलब अगर आपने लॉ नहीं फॉलो किया तो आप पे क्या लगेगी? पेनल्टी। तो यहाँ पे ये हो रहा है, इनोमरस मतलब मेनी मेनी पावर्स वाइडेड बाय द कंपनी, ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे रखा है ये एग्जीक्यूटिव में, आप ज्यादा शायद यहाँ पे भी आएगा, मे भी आ जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि भैया आपको क्या करना है, कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको समाज की सेवा के लिए लगाना है। अब समाज की सेवा के लिए हमने एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट में आपको जो ठीक लगे आपकी मर्जी, लेकिन हाँ 2% तो लगा होना चाहिए। इनकेस 2% नहीं लग पाए तो कुछ पैसा बच रहा है, उन्होंने कहा सरकार का एक फंड है उसमें पैसा लगा दो, क्योंकि सरकार तो क्या करती है, सोशल वेलफेयर नहीं करती है, तो सरकार को दो, सरकार लगाएगा। डिसएडवांटेज ये है, एक बिजनेसमैन बनकर सोचो, तुम एक बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे कंपनी बनाना है, अरे यार प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा समाज के लिए भी करना पड़ेगा। बिजनेसमैन क्या समाज सेवा सोचता है? सबको सबको भैया सबको। बच्चा एक बार ये सोचो, अगर आप अपने क्लाइंट को ये बताओगे कि भैया सुन, कंपनी बनाने के बाद तुम्हें ये काम भी करना पड़ेगा, क्लाइंट एक बिजनेसमैन है, समाज सेवा करने वाला नहीं है, उसको क्या लगेगा? अपने प्रॉफिट का 2% देना पड़ेगा, टैक्स भी दो सरकार को, 2% भी दो सरकार को, तो उसको तो नुकसान लगेगा ना। अगर पार्टनरशिप हम बनाएगा, पूरा पैसा किसका? उसका। किसी को डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत नहीं है, कितना पैसा कमा रहे हो किसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कंपनी अगर बना देना, एक एक इंफॉर्मेशन सबको पता है। और ये क्यों किया गया? अगर आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो आपका अच्छा है बच्चा, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन उस बिजनेसमैन, उस क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। समझ में आया? पक्का? रुद्राज क्या बोल रहे हैं? मैम स्क्रीन ब्लैक हो गई, 2 मिनट बच्चा, मे बी नेटवर्क इश्यू होगा। बाकी सारे बच्चे बताओ, निशिका, अनुज, आपकी भी स्क्रीन ब्लैक हो गई है क्या? कंफर्म करो बच्चा। चलो पॉइंट समझ में आया, 4 पॉइंट नेक्स्ट। नहीं वाह रुद्रांश, एक बार बच्चा जहां बैठो पोजीशन चेंज करो, मे भी है ना आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू, क्योंकि बाकी सबको नहीं हुआ है स्क्रीन ब्लैक। चलिए नेक्स्ट सेटिंग क्या है? ग्रेटर टैक्स बर्डन ऑन सर्टेन केसेस। इन्होंने क्या बोल दिया? टैक्स बर्डन भैया मोर देन ऑन दी अदर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, इन सबसे अगर कंपेयर करोगे तो बच्चा कंपनी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक। चलो लेकिन बच्चा गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो तो अच्छा है ना, टैक्स ज्यादा मिल रहा है, लेकिन एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो अच्छा नहीं है, वो कहेगा भैया मुझे नहीं बनानी कंपनी, क्यों? टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, ऑफकोर्स ज्यादा रिस्क, बिजनेसमैन को प्रॉब्लम है भैया, पार्टनरशिप फर्म है। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग लगता है धंधे वाले नहीं हो, पापा का बिजनेस है क्या? पापा क्या बिजनेस करते हैं? केबल ऑपरेटर है ना। अब मेरी बात सुनो, धंधे वाला कभी नहीं सोचता कि मुझे टैक्स पे करना है, धंधे वाला कभी नहीं सोचता कि भैया वो पैसा ज्यादा कमाना चाहता है लेकिन कम से कम खर्चे में, यही होता है ना, जहां कम से कम खर्चा हो, ठीक है। कंपनी बनाना है तो उन्होंने कहा सुनो पैसा तो ज्यादा लगेगा, हाँ लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लेकिन स्टिल बिजनेसमैन क्या कहता है, जहां मैं पैसा बचा लूं यार, कहीं से भी 2 रुपए भी बचते हैं तो हम बचाएंगे, तो कह रहे भैया हमें नहीं देना सरकार को टैक्स, ये सारी की सारी टैक्सी चोरी कर कौन रहा है, हम ही कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, कमा रहे हैं ना ज्यादा, दे दो ना यार सरकार को, क्यों नहीं दे रहे? भैया नहीं देना है, अपना एक कमाया हुआ पैसा जाता हुआ दिखता अच्छा नहीं लगता। तो भैया यही है, यही क्लाइंट को समझाना है, भैया प्रॉफिट है ना तो देना, समझ गए तो अच्छी बात, ठीक है। हाँ जीएसटी, हाँ हाँ जीएसटी लगता है अपना, सबको देना पड़ता है, कंपनी को ज्यादा, कंपनी को ज्यादा,
ठीक है, कुछ बोल रही थी स्नेहा? जीएसटी फाइलिंग ना बहुत सारे ड्यूरेशन में होती है, कुछ क्वार्टरली होती है, कुछ सिस्टम्स होते हैं उसके, है ना, एग्जीक्यूटिव में पढ़ाएंगे प्रॉपर, तो उनके कुछ क्वार्टरली सिस्टम होते हैं। अभी तो इनकम टैक्स की रिटर्न का भी चल रहा है, ठीक है, ऑडिट अनऑडिट ये सब होता है। सर्टेन केसेस कंपनी के कुछ केसेस होते हैं, कंपनी कितने टाइप की होती है, पब्लिक, और उसमें भी हमने लिमिटेड बाय शेयर पढ़ा है, फिर लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ा है, फिर अनलिमिटेड। तो इन्होंने यही कह रखा है कि भैया सर्टेन केसेस, हमारा मतलब ये कि टैक्स बर्डन पड़ता है कंपनी में मोर देन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। अदर फॉर्म ऑफ मतलब ये एलएलपी से कंपेयर कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म से कर रहे हैं, और कंपनी अलग है, लिस्टेड कंपनी है, और ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कंपैरिजन ये हो रहा है कि भैया अलग अलग टाइप के, सबसे कम किस में लगेगा, सबसे कम किस में लगेगा, प्राइवेट, थोड़ा सा कम किस में लगेगा, पब्लिक, और सबसे ज्यादा किस में लगेगा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा टैक्स हो सकते, हो सकते हैं, उसकी भी प्रोसीजर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, डिटेल वाइंडिंग अप, शटर बंद किया और कंपनी बंद हो गई क्या, नहीं। क्या बोला है भैया, लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज अ मोर एक्सपेंसिव देन, एंड क्या लिखा है, टाइम कंज्यूमिंग। भैया टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं आके कोई बंद करके चला जाएगा, एक दिन में कंपनी को एक दिन में बंद कर दे, ऐसा नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। चलो तो ये थे हमारे 6 डिसएडवांटेजेस, समझ में आया बच्चा? चलिए फटाफट एक रिविजन। पहला डिसएडवांटेज क्या पड़ा था, खर्चा, देखो ना कितना खर्चा लग रहा है, एक्सपेंसेस बोल दिया, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर बोल दिया, देन क्या बोल दिया, ओनरशिप और मैनेजमेंट, मतलब कंट्रोल और ओनरशिप दोनों अलग अलग है। फिर क्या लिखा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खर्चा है टैक्स पे करना, खर्चा है डिटेल वाइंडिंग का प्रोसेस, खर्चा है सब, खर्चा वाला काम है बच्चा। यस, जनता से अगर पैसे लेने जाओगे तो सरकार आपको पकड़ेगी, भैया पैसे ले रहे हो, पैसा आ रहा है, इसका मतलब तो दोगे, ठीक। चलो ऑल दीज आर डिसएडवांटेज, मार्क हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चा, आपकी जो बुक है, आपकी बुक में दिखेगा ये टॉपिक, दिख रहा है, दिख रहा है, जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी लॉ। बच्चा इसकी पूरी एक जर्नी है, मतलब आपको थोड़ा सा पास में लेकर जाया जाएगा कि भैया कंपनी कहाँ कब कैसा बना। तो इसके लिए पहले पहले मॉड्यूल में नहीं आएंगे, पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। चलो कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, कंपनी लॉ जो है इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट क्या है बच्चा। सबसे ऊपर कौन है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कौन पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, प्राइम मिनिस्टर बच्चा। पूरी सरकार चलाने वाला कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्लियर है। चलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन क्या पूरा का पूरा जो हमारे मोदी जी पूरी इंडिया को क्या वो खुद अकेले कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे अंदर नीचे नीचे कुछ छोटे मिनिस्टर्स होंगे जिनको मैंने एरिया दे दिया। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एमसीए। बार बार जो मैं वेबसाइट की बात कर रही हूँ बच्चा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की जिसमें सीएस का पूरा काम होता है, जिस वेबसाइट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। सीएस का काम, जो भी कंपनी का काम है, वो इस मिनिस्टर के अंडर में आता है। मतलब सबसे ऊपर मोदी जी हो गए, मोदी जी ने बोला भैया कॉरपोरेट अफेयर का काम निर्मला सीतारमन जी आपको संभालना है बच्चा। तो मिनिस्टर सबसे ऊपर मोदी जी हो गए, मोदी जी के नीचे निर्मला सीतारमन आ गए। अब निर्मला सीतारमन पूरी इंडिया की कंपनी को क्या अकेले मैनेज कर सकती हैं? नहीं। इन्होंने कहा भैया मैंने भी और छोटे 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 क्या बना दिए बच्चा, रीजनल डायरेक्टर्स बना दिए। मोदी जी पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कॉर्पोरेट अफेयर के लिए निर्मला सीतारमन को बोला, निर्मला सीतारमन पूरा नहीं कंट्रोल कर सकती, तो उन्होंने क्या बना दी बच्चा, रीजनल डायरेक्टर्स। रीजनल डायरेक्टर्स ने बोला भैया ये रीजन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें बहुत सारे स्टेट आते हैं, अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो बहुत सारे स्टेट आते कि नहीं आते, आते हैं। उन्होंने कहा मैं भी अकेले मैनेज नहीं करूंगा, तो इन्होंने क्या बनाया बच्चा, आरओसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या ये बात समझ में आई? वापस सबसे ऊपर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उनके नीचे बच्चा मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट। उन्होंने पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया अलग अलग रीजन में, पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया अलग अलग रीजन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स, क्लियर है।
फिर रीजनल डायरेक्टर्स ने बोला भैया मैं हर एक स्टेट में क्या बना देता हूँ, आरओसी बना देता हूँ ताकि मैनेजमेंट इजी हो जाए। तो उन्होंने क्या बना दिया बच्चा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हर स्टेट का एक आरओसी ऑफिस होता है, क्लियर है? ठीक है, हाँ बच्चा, डिफरेंस ये सब अलग अलग, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं अलग से, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उनका क्या काम है बच्चा? ओके, मैं एक बात बता दूं, निर्मला सीतारमन जी के पास दो डिपार्टमेंट है, एक है कॉर्पोरेट अफेयर, दूसरा है फाइनेंस, उनको दो डिपार्टमेंट दे रखे, क्लियर है? डिफेंस का अलग है, एजुकेशन का अलग है, हेल्थ का अलग है, ठीक। चलो, निर्मला सीतारमन को दो काम मिले हुए हैं, याद रहेगा? तो मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर का काम कौन देखता है? निर्मला सीतारमन। करंट अफेयर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, या नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर में। चलो, अभी ये सिस्टम समझ में आया बच्चा, ये डिफेंस फाइनेंस ये सब तो समझाने के लिए कि भैया ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक्चुअल में ये है हमारा, हमारी जो हिराची है ये प्राइम मिनिस्टर, देन मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर, देन रीजनल डायरेक्टर, देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और इस आरओसी से कौन डील करता है बच्चा? सीएस, कंपनी। कंपनी तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीएस कहां तक पहुंचाएगा बच्चा? आरओसी तक। आरओसी कहां तक पहुंचाएगा? रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और मोदी तक ये बात जाएगी, फिर उसे पता चलेगा कि हमारे देश की पूरी पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या कैसी है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का बना रहे हो? जल्दी जल्दी बनाओ, इसके बाद मैं दिखाऊंगी कितने रीजनल डायरेक्टर्स हैं। आपको बस क्या बनाना है, पीएम, उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रीजनल डायरेक्टर और आरओसी, बस ये वाली हिराची बनानी, ठीक है? अपने पास कोई कॉपी वॉपी नहीं है क्या? अब पूछूंगी तो याद रहेगा? मैं वही तुम्हें कह रही हूँ, कॉपी तो निकालो, बुक नहीं आती। देखो प्यारी बच्चे हमारे, सबके पास कॉपी तो होनी चाहिए यार, एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं वो लिखे, है ना? चलेगा, हो सकती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, एलएलपी यूनिकॉर्न नहीं हो सकती, एलएलपी को बिजनेस बड़ा करना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, कंपनी बननी ही पड़ेगी उसको, क्योंकि आप किसी से अगर फंडिंग ले रहे हो, दैट मीन्स आप पैसा ले रहे हो तो आपको कंपनी का फॉर्म लेना ही पड़ेगा। ये अब क्या हो गए, पुराने चुके। स्टार्टअप मतलब क्या होता है, आप एक न्यू आइडिया लेके आ रहे हो, तो टाटा के नाम से आप देखोगे, टाटा भी एक कंपनी थोड़ी ना है, टाटा भैया बहुत सारे। आपने एक टाटा के नाम से कोई स्टार्टअप तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जो बन चुका है वो थोड़ी ना होगा। स्टार्टअप मतलब कुछ न्यू अभी आया, तो टाटा पुराना हो गया, लेकिन कोई नया आइडिया के साथ अभी आएगा तो दैट वॉज स्टार्टअप, ठीक है? स्टार्टअप कैसे बनता है, क्या होता है, ये भी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज एग्जीक्यूटिव लेवल में सीखोगे, ठीक है? चलो बन गया क्या? अरे जल्दी बना, बन गया ये, श्रेया, श्रेया ही है ना नाम, तेरा नाम याद हो गया, जल्दी बना। चलो बच्चा, अब मैं आपको थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकली दिखाऊं गूगल में, ध्यान दो, इंडिया का मैप दिख रहा है बच्चा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सीतारमन पूरे इंडिया का कंट्रोल करती है, पूरी कंपनी से रिलेटेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें कंपनी भी आता है और एलएलपी भी आता है, दोनों आता है, ठीक है? इन्होंने कहा कि हमने क्या कर रखा है, ऐसे डिवाइड कर लिया। क्या डिवाइड कर लिया बच्चा? पूरी इंडिया के रीजनल डायरेक्टर्स, सॉरी रीजनल आरओसी ऑफिस के ऊपर क्या था, रीजनल डायरेक्टर्स थे। तुमने जो पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, इंस्टीट्यूट का पढ़ा था, आईसीएसआई का, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी का, ठीक है? इन्होंने कहा पहले बच्चा, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चार दिख रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बच्चा इन्होंने कहा नॉर्थ में क्या क्या आएगा, देखो एक बार स्टेट देखो क्या क्या कवर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो रहा है, हिमाचल आ रहा है, और उत्तराखंड आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, यूपी भी आ रहा है, आ रहा है बच्चा? ईस्ट में मुझे बताओ, ईस्ट में क्या क्या आ रहा है,
नहीं, ये ईस्ट यहाँ है, ये नॉर्थ ईस्ट लिखा है, मैं ईस्ट की बस बात कर रही हूँ, बस ईस्ट की। बिहार आ रहा है, बिहार, उड़ीसा आ रहा है, कैलकटा आ रहा है, आंध्र प्रदेश तो नीचे आ रहा है, ठीक है। वेस्ट में बताओ क्या आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, ठीक है। अब बच्चा, अभी मैंने आपको बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस दिख रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट भी है, कि नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है बच्चा, सेवन सिस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या बोल दिया, एमपी, एमपी गुजरात और राजस्थान, मतलब एमपी कहाँ आ रहा है, एमपी कहाँ आ रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, आप जबलपुर में सीएस का अगर काम कर रहे हो, कंपनी कहाँ की है, जबलपुर की, तो ये जबलपुर कहाँ आता है बच्चा, एमपी में। आपका आरओसी ऑफिस कहाँ पड़ेगा, एमपी के ग्वालियर में, क्या ये बात समझ में आई। लेकिन अगर बात अगर थोड़ी बढ़ती और ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाते हो, तो आप कहाँ जाओगे बच्चा, नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, क्या ये बात समझ में आई। फिर बच्चा साउथ ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, जिसमें क्या आ रहा है बच्चा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, यस, तेलंगाना भी आ जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब इन शॉर्ट, इन शॉर्ट बच्चा वापस आएंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा मैनेजमेंट है वो कॉरपोरेट अफेयर्स ने रीजनल डायरेक्टर को दिया, और रीजनल डायरेक्टर ने किसको दिया, आरओसी ऑफिस को, ठीक है। ये रीजनल डायरेक्टर्स है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। पहले मुझे बताओ क्या ये फोर डायरेक्शन याद रहेंगे। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो इसका मेन ऑफिस कहाँ है बच्चा, कैलकाता। अगर मैं साउथ की बात करूं तो ऑफिस कहाँ है, चेन्नई। नॉर्थ की बात करूं तो न्यू दिल्ली, साउथ की बात करूं तो, वेस्ट की बात करूं तो मुंबई। उसके बाद हमने देखा ना नॉर्थ वेस्ट भी था कहाँ बच्चा, अहमदाबाद। बच्चा साउथ ईस्ट भी था हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट भी था शिलोंग, ये सेवन सिस्टर्स, क्या ये बात समझ रहे। तो टोटल रीजनल डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, टोटल रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस टोटल कितने बच्चा, सेवन। टोटल कितने, सेवन, ठीक है, पक्का। अगर मैं ये बोलूं ईस्ट स्टेट हैज, हर स्टेट में क्या होता है बच्चा, आरओसी ऑफिस, हर स्टेट में क्या होता है बच्चा, आरओसी ऑफिस, ठीक है। जनरल रूल, हर स्टेट में कितने बच्चा, एक एक आरओसी ऑफिस है। लेकिन बच्चा एक्सेप्शन, ऐसे दो स्टेट हैं जिनमें एक आरओसी ऑफिस से काम नहीं चल रहा है। एमपी का जो भी कंपनी का काम होगा, एमपी का जो भी कंपनी का काम होगा वो कहां जाएगा बच्चा, ग्वालियर। कहां जाएगा बच्चा, ग्वालियर। एमपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए एक आरओसी ऑफिस से काम चल जाएगा। इन्होंने कहा दो स्टेट, जिसमें से पहला स्टेट क्या बच्चा, महाराष्ट्र, दूसरा स्टेट क्या बच्चा, तमिलनाडु। महाराष्ट्र में दो आरओसी है, एक आरओसी कहाँ बच्चा, मुंबई, दूसरा आरओसी कहाँ बच्चा, पुणे। महाराष्ट्र में दो आरओसी है क्योंकि वहां पे कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत सारा है, उसको संभालने के लिए, उसको संभालने के लिए क्या क्या बच्चा, दो आरओसी ऑफिस। एमपी दिखने में तो बड़ा है लेकिन कंपनीज उतनी ज्यादा नहीं है, एक आरओसी ऑफिस से काम चल जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में कितने आरओसी ऑफिस है, दो। एग्जाम में पूछा जाएगा वो दो आरओसी ऑफिस कहाँ कहाँ है, पहला कहाँ है, मुंबई, रुक जाओ रुक जाओ, महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे। दूसरा बच्चा तमिलनाडु स्टेट, इसमें भी दो आरओसी ऑफिस है, पहला कहाँ है, चेन्नई, और तीसरा क्या है, कोयम्बतूर। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, पक्का नोट करो। एक मिनट मुझे इसको भी दिखाना है, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, ऑनलाइन तुम्हें ये सारी चीजें दिखा दूं मैं। ये देखो ग्वालियर दिख रहा है तुमको, तुम्हारा पक्का स्क्रीनशॉट लेके एक बार दिखाऊं, तुम्हें समझाऊं बच्चा। हाँ अंडमान में भी है। अगर आप मान लो आप बींग अ सीएस कहाँ काम कर रहे हो बच्चा, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, तो बच्चा महाराष्ट्र में उन्होंने कहा ऐसे डिवाइड कर दिया, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, कुछ एरियाज की कंपनी कहाँ जाएगी बच्चा, आरओसी पुणे वाले आरओसी में फाइलिंग करेगी, और कुछ कहाँ करेगी, मुंबई। तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु, एक है चेन्नई और दूसरा क्या है, कोयम्बतूर। इन्होंने कहा भैया हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। तो इन शॉर्ट आप कहाँ काम कर रहे हो, बींग अ सीएस आप कहाँ काम कर रहे हो, काम आप जबलपुर में कर रहे हो बच्चा, सारे काम ऑनलाइन होते हैं,
सारे काम क्या होते हैं? ऑनलाइन। जबलपुर में बैठा सीएस इंडिया का किसी का भी काम कर सकता है, इंटरनेशनल काम भी कर सकता है, सब तो ऑनलाइन है ना। हमारी इंडिया के अंदर आता है बोलो बताओ। हाँ, बहुत सारी कंपनीज है। बस क्या है, तुम लोग इंडिया की, यहाँ की कंपनी ज्यादा अच्छे से भी जानते नहीं हो, वहां की कहाँ से जानोगे। ठीक है। हाँ बच्चा, भैया बहुत वो दिखने में इतना टिंगू सा दिख रहा है, अदरवाइज अच्छा खासा बड़ा एरिया है। टूरिस्ट को एक्चुअल में टूरिस्ट वहां बहुत ज्यादा जाते हैं, एक्चुअली में घूमने सबसे पहले वहीं जाते हैं। इंडिया का है, बस इज्जत नहीं देते इंडिया को। हाँ, यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है। इन शॉर्ट बच्चा, अगर आपने यूपी यूपी की कंपनीज की अगर मैं बात करूं, यूपी की कंपनीज की बात करूं, तो बच्चा कहाँ जाना पड़ेगा? कानपुर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ जबलपुर में बैठे किसी का भी काम कर सकते हो। तो आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब मेन ऑफिस कहाँ है, उससे डिसाइड होगा। मेन ऑफिस बच्चा यहाँ है, यूपी में है, तो आप कहाँ फाइलिंग करोगे? कानपुर के ऑफिस में। आप कह रहे हो कि भैया आप जयपुर, बच्चा महाराष्ट्र, सॉरी अहमदाबाद हो गया बच्चा, सॉरी गुजरात हो गया, देन राजस्थान हो गया, आप यहाँ बैठे किसी भी कंपनी का काम कर सकते हो। बस आपको क्या देखना है, कंपनी का मेन ऑफिस कहाँ है। मेन ऑफिस से डिसाइड होता है कि आपको कौन से गवर्नमेंट वाले, कौन से आरओसी वाले ऑफिस में आपको ये भेजना पड़ेगा। अगर गुजरात की कंपनी है तो आपको कौन सा आरओसी ऑफिस में भेजना पड़ेगा? अहमदाबाद। राजस्थान की कंपनी है तो कहाँ भेजना पड़ेगा? जयपुर। क्या ये बात समझ में आई? डिसाइड होता है एरिया, डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम बॉर्डर के पास है, यहाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है, बता रही हूँ मुझे, महा ये गुजरात हो गया और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान जो ये है यहाँ पे मान लो। तो बच्चा पूछा जाएगा कि भैया आप किस एरिया में कवर होते हैं। एक्चुअली में जैसे फॉर एग्जाम्पल चित्रकूट, आप देखना चित्रकूट तो बच्चा आधा एमपी में लगता है और आधा यूपी में लगता है, तो आधा आधा होता है। तो पूछा जाएगा आपका ऑफिस कहाँ है, ऐसे ना प्रॉपर लाइन बनी हुई है, ऐसे प्रॉपर लाइन बनी हुई है, इस साइड से एमपी लग जाएगा, इस साइड से यूपी लग जाएगा, ऐसे लाइन बनी रहती है। तो अगर आपका ऑफिस यूपी वाले एरिया में आ रहा है तो भैया कानपुर में भेजना, एमपी वाले में आ रहा है तो कहाँ भेजना बच्चा? ग्वालियर में। तो देखा जाएगा ऑफिस का एड्रेस। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल अगर ऐसा होगा तो उनके पास, दोनों के पास है ना, आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन आ जाता है, जो आधे आधे में आ जाएगा ना, समझ लो यही ऑफिस है, आधा उस साइड यूपी पड़ रहा है, आधा एमपी पड़ रहा है। तो कंपनी को बोला जाएगा जिसके पास जाना है चले जाओ, लेकिन फिर एक बार जिसके पास जाओगे पूरी फाइलिंग उसी के पास करना, ऑप्शन आ जाएगा उसके पास। ठीक है। नहीं, वो एक्चुअल में ना चेन्नई, वो थोड़ा सा ना खिचड़ी पक गई है, वो इतना बना नहीं पाए हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अलग अलग है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। अब आ जाओ बच्चा, क्या ये समझ में आया, हर स्टेट का अपना एक क्या है, आरओसी ऑफिस है हर स्टेट का, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनमें क्या है, दो आरओसी। वो लकी स्टेट कौन से हैं? तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कौन से दो ऑफिस? मुंबई और पुणे। तमिलनाडु में कौन से दो ऑफिस? चेन्नई एंड कोयम्बतूर। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाए। ठीक है। अभी क्या समझा, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, क्या बच्चा बस सीएस देखता है? सीएस किसको रिपोर्ट करेगा? आरओसी ऑफिस को। आरओसी ऑफिस का काम कहां जाता है? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर का काम कहां जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटर। फिर मोदी तक ये बात पहुंचती है। और हर का, अभी तो मैंने बस आपको कॉर्पोरेट अफेयर का बताया बच्चा, एक्चुअल में आप डिफेंस का देख लो, फाइनेंस का देख लो, सबका एक मैनेजमेंट होता है, सबका अपने आप में एक मैनेजमेंट होता है, क्योंकि एक मिनिस्टर पूरे इंडिया का नहीं देख सकता ना बच्चा। तो ये तो अभी आप क्योंकि कॉर्पोरेट पढ़ रहे हो, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड पढ़ रहे हो, इसलिए इसकी हिराची समझ रहे हो। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। बढ़ू आगे, पीछे वाली स्लाइड दिखा दू, ये वाली। याद रखना कितने रीजनल ऑफिस है, 7 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न भी है। ऑनलाइन वाले बच्चों फिर ज्वाइन करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। ये भी नोट करना है ना, कैलकटा चेन्नई।
एमपी कौन से रीजन में जाता है? मतलब कल को अगर हमारी कंपनी का कुछ केस बड़ा हो जाता है ना, हमें ऊपर तक पहुंचना होगा, तो हमारे लिए कहाँ जाना है? अहमदाबाद जाना पड़ेगा। ठीक, पहले तो सारी फाइलिंग आरओसी ग्वालियर में। हाँ पढ़ाते हो तो फाइनेंस कोर्स क्या सीएस पढ़ाते हो? कौन सीएस पढ़ाते नहीं समझी क्या क्वेश्चन है। सीएस पढ़ाने के लिए कोई हाँ सीएस का होना जरूरी है या ऐसा कुछ भी कौन नहीं है, पढ़ाता है? टीचर है यार, कोई भी पढ़ा सकता है जो अच्छा पढ़ा दे। बस ये कि सीएस में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएगा है ना, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से काम दिखाकर है ना, जिसने काम किया है वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाता है, बस ये वाला एक रीजन होता है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आईटेक्स पार्टनरशिप पंप में आता है। में हाँ हाँ मेरा जो सी एस सी एस एक जॉब होता है, एक प्रैक्टिसिंग, तो मैं जॉब करती दिख रही हूँ क्या? प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तुम लोग अब फिर से मैं बताऊंगी, बिजनेस है ये मेरा, तो बिजनेस में तो, और प्रैक्टिसिंग क्या होती है? बिजनेस ही होता है, खुद का बिजनेस है यार। मैं प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी का काम कर सकते हैं, लेकिन दिन भर इतना क्लास का ही काम रहता है कि काम बहुत ज्यादा नहीं हो पाता प्रैक्टिसिंग वाले। हाँ मैंने कुछ जबलपुर से करी थी और इंदौर से करी, दो जगह से करी। अरे यार आर्टिकल शिप वो तो क्लास नहीं, वहां इंदौर ही गई थी मैं, फाइनल क्लासेस, फाइनल यहाँ पे नहीं थी बच्चा, तो मुझे वहां जाना पड़ गया था। यहाँ तो फिर भी तुम लोग बहुत लकी हो कि सिंगल सीएस के बैच में बैठे हो, हमारे टाइम पे तो हम लोगों ने सीए के साथ बैठ कर पढ़ा है, सीए स्टूडेंट रहते थे और सीएस। हाँ थोड़ी बहुत है, ज्यादा से अच्छे से नहीं आई है। कौन से इंस्टीट्यूट से? एक्चुअल में मैं आईटेक्स की स्टूडेंट थी, वहां भी बहुत सारी क्लासेस है बच्चा, मतलब मैंने एक क्लास से नहीं किया, ऐसे तीन चार, एक रेसोनेंस है, बहुत सारी क्लासेस है, तो कुछ सब्जेक्ट यहाँ से लिए कुछ यहाँ से, लेकिन खिचड़ी पड़ती थी। अच्छा तो कुछ नहीं, क्योंकि सेल्फ पढ़ा था एट दी एंड। बाहर जाना सर दर्द होता है, बाहर जाना सर दर्द होता है। बाहर मैंने 2 महीने की शायद पढ़ी होगी क्लास, और वापस आ गए, मैंने कहा नहीं मैं सेल्फ पढ़ूंगी, और फिर मैंने सेल्फ पढ़ के निकाली। बाहर जाना अपने आप में बच्चा, होम सिकनेस थी मुझे तो अच्छी खासी, वहां नहीं जाना। अभी रुको, फर्स्ट लेवल है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि बाहर जाना अपने आप में बच्चा, बस पढ़ना नहीं होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं। चलो वापस, पहले बताओ ये याद हुआ पक्का? पक्का अगर एमसी में कुछ भी पूछा बता दोगे? अभी आपको मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया, अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया कि काम कैसे होता है। क्या मैंने अभी कंपनी की हिस्ट्री बताई है? क्या नहीं बताई बच्चा? कंपनी की हिस्ट्री पूरे से नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि लाने वाला कौन था। ठीक है, बस आपको दो डेटा याद रखना है, बहुत सारी हिस्ट्री बताऊंगी, लेकिन अभी डेटा क्या याद रखना मैं ये बता रही हूँ। आप अपनी बुक में तीन डेटा लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए 1850, 1850 लिखो, 1956 लिखो, और 2013, ये तीन ईयर लिखेंगे बस। पहला 1850, दूसरा 1956, तीसरा 2013, ये तीन डेटा ही आपके काम के हैं, लेकिन आपकी बुक आपको हिस्ट्री बताना चाहती है, इसलिए मैं भी आपको हिस्ट्री बताऊंगी, लेकिन जो उसमें से आपको कंक्लूजन निकाल के जो चीजें याद रखनी है, ईयर बहुत सारे आएंगे लेकिन यही 3 साल आपको याद रखने हैं, 1850, 1956 और 2013। क्यों याद करना है ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी विद हिस्ट्री। 1913 ये मैंने अभी बताया नहीं है, रुक जा, मैंने अभी क्या बोला लिखने को? तीन चीजें, 1850, 1956 और 2013। कल पूरी हिस्ट्री बताऊंगी, ये सब भी समझाऊंगी, अभी समझा नहीं रही हूँ। ठीक है, लिखना भी नहीं है क्योंकि वो सब याद करने वाली चीजें ही नहीं, जितनी काम की है बस वो, वे तीन डेटा है। लेकिन क्यों याद करना ये पूरा लॉजिक कब बताऊंगी? नेक्स्ट क्लास में, सबर करो। ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले बच्चों आज की सभा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।